एक रोज़ हम डेरे पर बैठे हुए थे मैंने अपने बाबा जी से पूछा कि जनाब दुनिया इतनी ख़राब क्यों हो गई है इस कदर मादा परस्त क्यों कर हो गई है बाबा जी ने जवाब दिया दुनिया बहुत अच्छी है जब हम इस पर तंग नज़री से नज़र डालते हैं तो यह हमें तंग नज़र दिखाई देती है जब हम इस पर कमीनगी से नज़र दौड़ाते हैं तो यह हमें कमीनी नज़र आने लगती है जब इसे खुद गर्जी से देखते हैं तो ये खुद गर्ज़ हो जाती है लेकिन जब इस पर खुले दिल और रोशन आंख और मोहब्बत भरी नज़र से निगाह दौड़ाते हैं तो फिर इसी दुनिया में कैसे प्यारे प्यारे लोग नज़र आने लगते हैं निकी और बदी दोनों का वजूद लाजम व मलजूम है अगर दुनिया से बदी बिल्कुल उठ जाए तो फिर नेकी को नेकी कौन कहेगा और अगर नेकी उठ जाए तो फिर बुरे को बुरा कौन कहेगा एक का वजूद दूसरे के वजूद की अहमियत से हमें आशना करता है अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेकी के साथ बदी का होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमने समझ रखी है एक ज़माने में मैं लाल साबुन से नहाता था वो मेरे बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था मैं खाना खाता था तो मुझे हाथ डिटॉल से नहीं धोने पड़ते थे तब शायद अब से ख़तरनाक जरासीम भी कम थे लेकिन अब शायद जरासीमों की बहुत हो गई है या फिर हम सोचते ही इस तर्ज पर हैं मैं आज तक इस राज को नहीं समझ पाया कि एक खरादिया या मोटर मकैनिक जो सारा दिन काम करता है वो जब खाना खाने लगता है तो वो डिटॉल इस्तेमाल नहीं करता किसी महंगे साबुन से हाथ नहीं धोता किसी नए तौलिये को इस्तेमाल नहीं करता बस आम पानी से हाथ गीले करके किसी आम से कपड़े से खुश करता है और खाना खाने बैठ जाता है वो बीमार नहीं होता लेकिन हम जो बड़ी एहतियात करते हैं फूँक फूँक कर कदम रखते हैं जल्द बीमार हो जाते हैं जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम अपनी माँ के पास बैठ खाना खा रहे थे अचानक एक रोटी का लुमा माँ के हाथ से ज़मीन पर गिर गया जो ही वो लुमा माँ के हाथ से गिरा उन्होंने बिस्मिल्लाह कह कहकर वो लुमा ज़मीन से उठा लिया उस पर फूक मारी और उसे खा लिया उस पर मेरी बड़ी बहन ने शोर मचा दिया कि अम्मा इस तरह से आपको ये रोटी का टुकड़ा नहीं खाना चाहिए था ये जरा जरासीमों से आलूदा हो चुका था लेकिन मेरी माँ कुछ ना बोली और उसने इतमान से वो टुकड़ा निगल लिया मैं अब सोचता हूँ कि मेरी माँ जरासीमों से ज़्यादा खुदा से डरती थी वो खुदा की दी नेमत की कदर करती थी और शायद हम खुदा से ज़्यादा जरासीमों से डरते हैं मैं एक बार अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था दोपहर का वक्त था तो वर्कशॉप में कारीगर वग़ैरह रोटी खाने लगे उन्होंने मुझे भी दावत दी लेकिन मैंने शुक्रिया कहकर माजरत कर ली गाड़ी का वो मकैनिक काम करते करते उठा उसने पंक्चर चेक करने वाले टब से हाथ गीले किए और वैसे ही जाकर खाना खाना शुरू कर दिया मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे इस तरह गंदे हाथों से खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे हज़ारों जरासीम तुम्हारे पेट में चले जाएंगे क्या तुमने इस तरह की बातें कभी डिटॉल या साबुन के इश्तहार में नहीं देखी तो उसने जवाब दिया कि साहब जब हम हाथों पर पहला कलमा पढ़कर पानी डालते हैं तो सारे जरासीम ख़ुद ब खुद मर जाते हैं और जब बस्मिल्ला पढ़कर रोटी का लुकमा तोड़ते हैं तो जरासीमों की जगह हमारे पेट में बरकत और सेहत दाखिल हो जाती है मुझे उस मकैनिक की बात ने हिला कर रख दिया यह उसका तवक्कल था जो उसे बीमार नहीं होने देता था मैं उससे अब तक भी मिलता हूँ इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो मुझसे ज़्यादा सेहतमंद है